होंडा का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर देता है 130 किलोमीटर की रेंज, जानिए फीचर्स। जी हाँ दोस्तों, बता दें होंडा कंपनी की नई स्कूटी आ चुकी है, जहाँ पे आपको बता दें 130 किलोमीटर के ज़बरदस्त रेंज मिल जाएगा। वहीं बात करेंगे दोस्तों इसमें इसका कितना कीमत है, वहीं बात करेंगे मोटर कौन सी लगी हुई है और लिथियम आयन बैटरी लगा हुआ है, कितने किलोवाट की लगी हुई है और सबसे बड़ी बात है दोस्तों सरकार इसमें सब्सिडी कितना दे रहा है। तो चलिए सब कुछ डिटेल में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तुरंत लाल कलर का आइकन दिख रहा है उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। आइए जानते हैं होंडा के बारे में। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों होंडा के इलेक्ट्रिक स्कूटर के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा और फुल LED लाइट दी गई है। वहीं उसके साथ आपको LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्लस्टर से राइडर को बैटरी के स्टेटस, राइडिंग मूड आपको दिख जाएगा, स्पीड और ड्राइविंग रेंज जैसी हर जानकारी आपको यहां पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में मिल जाएगा, जो कि यहां पे इसके मीटर में लगा हुआ है। आइए पूरी डिटेल में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिमांड दुनिया में तेज़ी से बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ भारत में नहीं दुनिया में पूरी तेज़ी से बढ़ रही है। वहीं भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में उछाल के बाद ग्राहकों का झुकाव इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ चला गया है। जी हाँ दोस्तों, पता होगा कि कई स्टेट में 100 रुपये से पार हो चुका है पेट्रोल के दाम, जो कि पहले एक महीना पहले 70-80 रुपये के आसपास में था। वहीं बात करें तो जापान की प्रमुख निर्माता कंपनी होंडा ने कुछ दिन पहले ही चीन के साथ अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर यूगो को लॉन्च किया है। चाइनीज सब्सिडियरी युवांग होंडा ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया है। वहीं बात करें तो होंडा के इस स्कूटर की कीमत भारतीय रुपीस के अनुसार लगभग 86,000 रुपये है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रुपीस के हिसाब से मात्र 86,000 रुपये है। इसमें सरकार लगभग 40,000 रुपये आपको सब्सिडी देगी दोस्तों। तो 40,000 सब्सिडी देने के बाद मात्र ये आपको सब्सिडी यहाँ पे 46,000 में मिल जाएगा। और अगर केंद्र सरकार आपके राज्य में देती है, मतलब राज्य सरकार आपके सब्सिडी देती है आपके राज्य में, तो 20,000 रुपये वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये आपको 26,000 रुपये में ये स्कूटी आपको मिल जाएगा। चलिए आइए बात करते हैं आगे। तो होंडा के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 2 वर्जन में पेश किया गया। यूगो इलेक्ट्रिक स्कूटर के स्टैंडर्ड वर्जन में 0.8 किलोवाट का मोटर का इस्तेमाल किया गया है। वहीं बात करें तो जिसकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड है। वहीं टॉप वर्जन की बात करें तो 1.2 किलोवाट का मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक 1.8 किलोमीटर की मैक्सिमम आउटपुट प्रदान करता है। यूगो इलेक्ट्रिक स्कूटर के टॉप वर्जन जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की माइलेज यहां पे दे देता है। आगे इन्हें यहां पे बता दें दोस्तों, मिलेगी ऑप्शनल बैटरी। जी हाँ दोस्तों, बता दें होंडा के ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑप्शनल बैटरी के साथ आता है, जो ड्राइविंग रेंज को दुगना कर देगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा बैटरी ऐड कर सकते हैं, जहाँ से आपको ड्राइविंग रेंज दुगना हो जाएगा। यूगो इलेक्ट्रिक स्कूटर के दोनों वर्जन में कंपनी ने 1.44 किलोवाट का लिथियम आयन बैटरी पैक का इस्तेमाल किया है, जो 65 किलोमीटर तक का ड्राइविंग रेंज देने में सक्षम है। वहीं ऑप्शनल बैटरी के इस्तेमाल करके इस स्कूटर की ड्राइविंग रेंज 130 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, सिंगल बैटरी में 65 किलोमीटर का माइलेज दे रहा है, वहीं पे एक बैटरी और ऐड कर देते हैं तो जस्ट यहाँ पे दुगना हो जाता है, 130 किलोमीटर का माइलेज बढ़ जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। आगे बात करते हैं तो भारतीय बाज़ार में होंडा के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 टक्कर देगा, और ओला S1 का स्टैंडर्ड वर्जन 121 किलोमीटर तक का ड्राइविंग रेंज देता है। वहीं S1 प्रो वर्जन 181 किलोमीटर तक का ड्राइविंग रेंज देता है। तो यही दोनों कंपनियां यहां पे जो है इससे टक्कर लेगी। आइए हम लोग यहां पे फीचर्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो होंडा के इलेक्ट्रिक स्कूटर के फीचर्स की बात करें तो इसमें LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और फुल LED लाइट दी गई है। वहीं बात करें तो इसके LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से राइडर को बैटरी स्टेटस मिल जाएगा देखने को, राइडिंग मूड मिल जाएगा, स्पीड और ड्राइविंग रेंज जैसी सभी जानकारियां यहां आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इस स्कूटर में USB चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है और एंटी थेफ्ट अलार्म को भी यहां पे शामिल किया गया है। भारत में होंडा के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की लॉन्च को लेकर के कंपनी अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी है।
कि कब लॉन्च होगा, लेकिन उम्मीद है दोस्तों जल्द से जल्द लॉन्च होगा। और जैसे ही लॉन्च होगा आप सभी लोग होंडा कंपनी का यह स्कूटी ज़रूर परचेज कीजिएगा, क्योंकि यह आपको काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएगा। इसका कुल कीमत 86,000 रुपये है, सरकार इसमें 40,000 केंद्र सरकार दे रही है सब्सिडी, सीधा सीधा आपको 46 पड़ेगा। और अगर आपके स्टेट सरकार अगर देती है सब्सिडी 20,000, तो मात्र 26,000 रुपये में यह स्कूटी आपके घर तक पहुँच जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।